गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। क्वेश्चन नंबर वन, कल हमने आपको जो वीडियो पढ़ाया था, ठीक है ना, परासरण का, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर वन, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का परासरण दाब 1.18 वायुमंडल है, पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसमें गिवन वैल्यू क्या है, एक वैल्यू ये दी गई है, एक वैल्यू ये है, एक ये है दी गई और एक ये दी गई है, ठीक है ना। इतनी सारी वैल्यू दी गई है, इन सबको नोट कर लेते हैं। टी इक्वल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। देखिए टेम्परेचर दिया गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 को ऐड करना पड़ेगा। फिर W विलेय की मात्रा दी गई है 10 ग्राम, आयतन दिया गया है 1 लीटर, परासरण दिया, दाब दिया गया 1.18 वायुमंडल, और मॉलिकुलर वेट यानी अणु भार आपको ज्ञात करना है, अणु भार ज्ञात करना है, ठीक है ना। और S जो विलयन स्थिरांक होता है, इसकी वैल्यू ये निश्चित होती है, ये हमने आपको कल बताया था कि याद करना पड़ेगा। अब हमारा सूत्र है PV बराबर W बटे M ST से, तो हमें निकालना है M इज इक्वल टू, पक्षांतर कर लेते हैं तो M इज इक्वल टू आ जाएगा W ST बटे PV। W का मान हम रख देते हैं, W की वैल्यू कितनी है 10 ग्राम है, S की वैल्यू हो गई 0.082 और T की वैल्यू है 283 अपॉन P का मान है 1.18 और वॉल्यूम है 1 लीटर। पॉइंट के 3 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, ठीक है ना। यहाँ पर एक जीरो कर दिया, या आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर जीरो बढ़ाने, तीन तीन अंक हो जाएंगे, दशमलव हट जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो से काटेंगे 41, ये हो जाएगा हमारा 51। हमारे पास बचा 41 इंटू 283 अपॉन 59, इनका गुणा करेंगे इन दोनों को तो 11603 अपॉन 59, इसका 59 का डिवाइड देंगे तो 196.66 ये हमारा मॉलिकुलर वेट आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 1.196 मॉलिकुलर वेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर टू, किसी पदार्थ के 100 ml विलयन में 4.5 ग्राम पदार्थ घुला है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस विलयन का परासरण दाब, 3.2 वायुमंडल है, यदि पदार्थ का अणु भार 342 हो तो S का मान ज्ञात कीजिए। S ज्ञात करना है, गिवन वैल्यू आपके 100 ml दी गई है, स्मॉल W की वैल्यू दी गई है, टेम्परेचर दिया गया है, परासरण दाब दिया गया है, मॉलिकुलर वेट दिया गया है, S आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा ml में है, इसको लीटर में बदलना पड़ेगा, तो आप भाग देंगे तो 0.1 लीटर हो जाएगा। W हमारा 4.5 ग्राम दिया गया है, टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ देंगे, परासरण दाब दिया m दिया गया है, फॉर्मूला वही होगा PV बराबर W अपॉन m ST से, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है s की वैल्यू, तो हो जाएगा PV m अपॉन WT। P का मान है हमारा 3.2, V का मान है हमारा 0.1 और m का मान है 342 अपॉन W का मान दिया गया 4.5 और T का मान है 293, ठीक है ना। एक पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा और चलिए देखिए, दो से डिवाइड कर दिया, तीन से डिवाइड किया तो थ्री बन जा, तीन एकम तीन चौको बारह और तीन एकम तीन, तीन बचे 15, ठीक है ना। अब बचा हमारा 3.2 गुणे 114, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे बचा है 15 गुणे 293, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 364.8, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4395, 4395, 4395 का अगर इसमें हम भाग देते हैं तो 0.083 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, ये हमारी एस की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। एस क्या है हमारा, विलयन स्थिरांक। चलिए देखिए प्रॉब्लम नंबर थ्री, एक कार्बनिक पदार्थ के 40 ग्राम को 600 ml विलयन में घोलने पर विलयन का परासरण दाब 8.2 वायुमंडल है, 40 ग्राम को 600 ml में घोला गया तो उसका परासरण दाब 8.2 वायुमंडल है, यदि S का मान 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल हो तो अणु भार की गणना कीजिए। देखिए सवाल में सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या क्या है, स्मॉल W,
आयतन दिया गया है, परासरण दाब दिया गया है, एस का मान दिया गया है और अणुभार आपसे एम की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले इनको सबको नोट कर लेते हैं क्या होते हैं कि W इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। चलिए देखिए, W का मान 40 ग्राम, आयतन हमारा 600 ml दिया गया है, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे तो 0.6 लीटर आ जाएगा। परासरण दाब दिया गया है, S के मान दिया गया है, अणुभार आपको ज्ञात करना है ये रहा, और यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिया गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेंगे, उसमें 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमें निकालना अणुभार है, तो m बराबर हो जाएगा WST बटे PV। W का मान है हमारा 40 ग्राम, S का मान है 0.082 इंटू T का मान है हमारा 273 अपॉन P का मान है 8.2 इंटू V का मान है 0.6, ठीक है ना। चलिए देखें, 40 है यहाँ पर, 1, 2, 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 दशमलव ये है, 1 ये है, अगर 1 0 बढ़ा दे तो इनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, इसको हम काट सकते हैं, दशमलव हमारा बराबर हो गया। अब हम देखते क्या है कि देखो 82 से 82 और 82 जा 10, ठीक है ना, 10 बाहर जाएगा और 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, क्लियर है। 3 से काटेंगे तो 3 2 6, 3 27, 3 1 3, 2 से इसको काट दिया, 2 2 4। अब हमारे पास बचा क्या है, 2 × 1 × 91, 2 1 और 91, नीचे हमारा केवल 1 बचता है यानी कुछ नहीं, तो 2 1 2 2 9 18, 182 इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, आई बात समझ में। चलिए देखिए सवाल नंबर 4, 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर गन्ने की शक्कर के विलयन का परासरण दाब 2.5 वायुमंडल है, इस विलयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। टी बराबर दिया हुआ है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ये वैल्यू दी गई है, इसमें 273 जोड़ेंगे तो ये 297 केल्विन हो जाएगा। परासरण दाब टी बराबर 2.5 वायुमंडल दिया हुआ है, इस विलयन का सांद्रण यानी कि सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। और एस हमारा वही हो जाएगा जो आपका पीछे से निश्चित मान है, लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, ठीक है। हमें निकालना है सी, तो आपको फार्मूला हमने लिखाया था P = CST, तो सी बराबर हो जाएगा P/ST। पी का मान रखेंगे 2.5 अपॉन एस का मान है 0.082 इंटू टी का मान है 297। दशमलव के 3 अंक है, दशमलव का 1 अंक है, 2 0 बढ़ जाएंगे, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2500 बटे 82 गुणे 297, 2500 और 82 और 297 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा मल्टीप्लाई, तो आपका आता है 24354। 24354 का भाग देते हैं 2500 में, नहीं जा रहा था, दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ा लिया, एक बार गया, फिर बचा हमारा 646, नहीं जा रहा था, 2 बिंदी लगाई भाग न जाने पर, तो हमारा 1.102 आंसर हमारा आया, 0.102 मोल प्रति लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आई बस में नोट कर ले। सवाल नंबर 5, सॉरी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन इसमें क्या करना है, देखिए एक वैल्यू दी गई टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 जोड़ेंगे तो ये 303 केल्विन हो जाएगा। 3% मतलब 100 में से 3 ग्राम, तो W बराबर 3 ग्राम हो जाएगा और आयतन हमारा 100 ml हो जाएगा, जिसको हम लीटर में बदलेंगे तो ये हमारा 1000 का डिवाइड करेंगे तो 0.1 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। S की वैल्यू आपको मालूम है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, ठीक है ना, ये आपको S की वैल्यू निश्चित है जो निर्धारित की गई है। अब हमारा M यानी यूरिया का अणुभार चाहिए, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, इसका अणुभार निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और परासरण दाब यानी कि पी आपसे पूछा जा रहा है, फॉर्मूला आपको मालूम है PV = W/MST, ठीक है ना।
हमें निकालना क्या है P, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एस टी बटे एम वी। W का मान है हमारा 3 ग्राम, S का मान है 0.082 और T का मान है 303 अपॉन M का मान है 60 और V का मान है हमारा 0.1। दशमलव के 1, 2, 3 अंक यहाँ पर एक अंक है, दो बिंदी बढ़ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दशमलव से दशमलव हमारा हट जाएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 3 × 3 ये 20 हो जाएगा। इनका अगर हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो 303 मल्टीप्लाई 82, 2 × 6, 2 × 6 और 8 × 24, 8 × 24, 6 × 4, 6 × 2, 8, 4, 2, 24, 846। ये वैल्यू आ जाती 24,846 गुणा करने पर, इसका 82 और 303 का 100 और 20 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 2000 आएगा। अब अगर हम 2 का डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है 2 × 2, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 6 अपॉन 2 से हमने इसको काटा है अपॉन 1000, 1, 2, 4, 2, 3 बराबर डिवाइड करेंगे तो 12.42 वायुमंडल, ये हमारा परासरण दाब आ जाएगा। आयवासन में नोट कर लीजिएगा। सवाल है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। सवाल भी उसी तरह, तो टी बराबर इसमें हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। W 2% मतलब 2 ग्राम हो जाएगा। V का मान 100 ml होगा अपॉन 1000 बराबर हो जाएगा आपका 0.1 लीटर, ठीक है ना। अब यूरिया विलयन का अणु भार, अभी पिछले सूत्र में सवाल में हमने बताया था यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO2, अणु भार हमारा 60 हो गया। S की वैल्यू आपको मालूम है, बार बार वही आ रही है, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, ठीक है ना। और परासरण दाब आपको ज्ञात करना है, फार्मूला आपको मालूम है, P बराबर WST बटे MV, डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, W का मान आपका कितना है 2 और S का मान कितना है 0.082, T का मान कितना है ये रहा 300, ठीक है, अपॉन M हर बार 60 है और V का मान है 0.1, ठीक है ना। इस सवाल को आप लोग स्वयं हल करेंगे, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जिसका आंसर आएगा 8.2 वायुमंडल, स्वयं कर लीजिएगा, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह थोड़ा सा गुणा भाग करना, सब डिवाइड हो रहा है, सिंपल सा है, ठीक है, स्वयं कर सकते हैं, इसलिए छोड़ दिया। देखिए इसमें सुक्रोज के 1 लीटर विलयन, एक वैल्यू ये दी गई है और एक ये दी गई है, टेम्परेचर दिया गया है आपसे, परासरण दाब की गणना करवा रहा है, तो V इज इक्वल टू 1 लीटर में दिया गया, चेंज नहीं करना पड़ेगा। और W का मान 3.42 ग्राम है, टेम्परेचर देखिए 300 केल्विन में दे दिया है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में होता तो चेंज करना पड़ता, केल्विन में दे रखा है। परासरण दाब आपको अपने आप निकालना है, फॉर्मूला आपको मालूम है, पीवी बराबर निकालना परासरण दाब डब्ल्यू एस टी बटे एम वी, है ना। डब्ल्यू का मान कितना है 3.42 इंटू एस का मान है 0.082 इंटू टी का मान है आपका 300 बटे एम का मान है सुक्रोज, सुक्रोज का मॉलिकुलर वेट होता है 342, ठीक है ना, कितना होता है 342 इंटू, और V का मान है हमारा 1 लीटर। सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11 का मॉलिकुलर वेट, अणु भार अगर निकालेंगे तो 342 होता है, ठीक है ना। दशमलव के 1, 2, 3, 4, 5 पांच अंक है, 5 बिंदियां बढ़ जाएंगी, अब दशमलव आपका हट जाएगा, ठीक है ना। दशमलव हटा, 342 से 342 आपका कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 3 × 6, 3 × 8, 24, 246 बटे 1000 बराबर भाग देंगे तो 0.246 वायुमंडल आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे